मेरे पीछे आई थे वो इधर आई नहीं पीछे चक्कर इधर आई पता नहीं क्या मुझे पता होता बेचारा वह जीव का पीछे ये बुलाया है अपने रेजिडेंस पे। आप सारे बेहतर जानते हैं कि इस समय भारत जोड़ो यात्रा बड़े जोरों पे है और भारत का जो बिखराव है, जो भारत को जगह जगह से तोड़ा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, उसके प्रति जो भावना लेके और राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, तो हम समझते हैं कि इस समय उनका सहयोग करना, भारत जोड़ो यात्रा का सहयोग करना इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी कि सारे आपके माध्यम से सारे समाज को, सारे डुग्गर प्रदेश को, कठुआ से लेके बनहाल तक जितना भी एरिया हमारा प्रदेश पड़ता है, सारे प्रदेश को जहाँ जहाँ भी गुजरें तो उनकी यात्रा सफल बनाई जाए, कामयाब बनाई जाए और यात्रा का रिजल्ट निकल के सामने आए। हमारा देश और ख़ास करके जो इस समय हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, यू नो बेटर, सारे बेहतर जानते हो हालात जम्मू के, तो हमारी स्टेट के इतने बुरे हो चुके हैं, मैं कह सकता जैसे बुरे दिन आ गए। वो ये है कि इस समय इतनी काली मची हुई है, इतनी तकलीफ मची हुई है, इतनी परेशानी बनी हुई है सरकार को कि कितनी जल्दी लोगों की ज़मीनें छीनी जाएं, उनको बेइज्जती ना किया जाए, लैंडलेस किया जाए। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो इनकी सोच है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और ये जिस तरीके से इन्होंने नुकसान किया है, ये नुकसान की भरपाई ये तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो सवाल ही नहीं पैदा इनकी भरपाई हो पाएगी। लोगों की ज़मीनें फिर भी वापस होंगी, रिस्टोर होंगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। वील फाइट। तो उन्होंने बाद में कहा कि जब कोई भी तकरीर होगी, हालांकि मैं कांग्रेस का आदमी, कोई भी तकरीर होगी, उन्होंने कहा कि आप कंक्लूड आप करोगे। मैं उस इजलास की हर उसको कंक्लूड करता था और मैंने फिर उनके मेरे से इतनी खुश होगी तो मैंने कहा मुझे आपके पास एम्स आप बना रहे हो, एक एम्स हमें दे दो अपग्रेडेशन का, मेरा हमारा जम्मू का मेडिकल कॉलेज को अपग्रेडेशन करो। आपको पता मैं वहाँ यहाँ लाया था और उन्होंने उसको 120 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था, वो मैं यहाँ से चला गया, इन्होंने वो 120 करोड़ रुपया वो सुपर स्पेशलिटी में लगाया। और जब उद्घाटन था सुपर स्पेशलिटी का, जो हमारे नेता बड़े सीनियर, तो कहने लगे यार ये बात नहीं करना इधर, अभी ऐसी बात नहीं बोलने देना। मैं कह आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फिर फॉर्चुनेट मेरे ही हाथों, मेरी वजह से अगला एम्स भी हमें मिला और उसकी हमने की। तो कहने का मकसद है, तो वो भाषण दे रही है, मैं उनकी बात सुना रहा हूँ, जब कंक्लूड हुआ, आई वॉज देयर, कंक्लूड जब ख़त्म हो रही है पार्लियामेंट, कहती मैं किसी को दुआ तो दे नहीं सकती कि आप सारे जीत जाओ, क्यों, क्योंकि हम भी चाहते हैं सरकार बने हमारी, लेकिन आपका जो सबका सहयोग रहा, स्पीकर साहब वो कांग्रेस का स्पीकर था, आपने हमें बड़े बोलने का मौका प्रॉपर दिया। हाँ जी मैडम जी, सोनिया गांधी जी को कहने लगे चेयरपर्सन, हम आपके पास जब भी कभी गई हैं, अब उनकी तकरीर देख लेना, जब भी कभी गई हैं तो हमारा आपने काम किया। अडवाणी साहब एक दिन तकरीर कर रहे थे कि पार्लियामेंट हमारी ऐसी है कि जहाँ मेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, इसकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है और इतनी दूर की आइडियोलॉजी है, लेकिन हमें सब बोलने का सबको हक है और बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, ये पार्लियामेंट। अब ये पहली बार हुआ कि इस किस्म का माहौल बन गया कि पार्लियामेंट अजीबोगरीब होगी और ऐसे बगैर मतलबों स्टेटें तोड़ दी, स्टेट ब्रेक कर दी और ज़मीनों पर कब्जे और बुरी हालत कर दी। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से। एक बार एक नोट चेंज कर रहा था मैडम इंदिरा गांधी के ज़माने में, आपको याद होना चाहिए, पार्लियामेंट में लाया, पार्लियामेंट डिस्कस हुआ, ये रात को नहीं पता लगा कि सुबह हमारे सारे पैसे लोगों का सत्यानाश हो चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र सबको
मजबूत कर रहा है। और ये देश लोकतांत्रिक कंट्री है, और ये कंट्री ऐसी है कि 1950 तक जो जिन्होंने लोकतंत्र लाया, डेमोक्रेसी लाई अमेरिका ने, उसके पास 1950 में पंचायती राज नहीं था और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये अपोजिशन, ये अपोजिशन सारी मजबूत रहे। मैं कभी नहीं चाहता कि एक अच्छा आदमी बोलने वाला हारे। जहाँ शमशुद्दीन होते थे जम्मू कश्मीर के, क्या बात ही, तकरीर करते थे, दुनिया सुनती थी। तो ये लोग रहने चाहिए, लोग सुने, तत्सुने, फैक्ट सुने। तो ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपको क्या तकलीफ है? रथ चले, इतनी चीज़ें चली, इतना कुछ चला, किसी को